शहीद परिवारों को श्रद्धांजलि तथा बच्चों को देश सेवा के लिए प्रेरित करने हेतु पुलिस स्मरण दिवस का आयोजन शहीद करतार सिंह की याद में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आलमपुर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त उप शिक्षा निदेशक अमरनाथ शर्मा, शहीद की पत्नी मुकेश लता ने की। वहीं देशभक्ति के गानों के साथ शहीद सैनिकों को याद किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने बताया कि देश के सैनिक भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, तभी देश का हर भारतीय सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि देश की सेवा में ईमानदारी से कार्य कर सकते हैं। वहीं शहीद के कार्यालय से आए अमित सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मेमोरियल मेघनाथ में तैनात था। उन्होंने बताया कि घर शहीद के प्रारंभिक शिक्षण केंद्र में या महाविद्यालय में प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य कारण सैनिकों के बच्चों को सम्मानित करना है। वहीं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रतन कुमार ने बताया कि शहीद को याद करके गर्व महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर सेवानिवृत्त उप शिक्षा निदेशक अमरनाथ शर्मा, थाना प्रभारी विपिन चौधरी, तहसीलदार के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं देशभक्ति पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल प्रबंधन कमेटी द्वारा सम्मानित भी किया गया। धर्म से किसी जात से नहीं होता है। सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी, उसके बाद हम एक सैनिक हैं। तो सैनिक को स्मरण करने का, उसको सत्कार देने का इससे अच्छा कोई मंच नहीं हो सकता कि किसी स्कूल में इसे सेलिब्रेट किया जाए। ये हमारा स्कूल ही है जहां से कल को बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, अच्छे नेता, वक्ता, अच्छे सैनिक, अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, जो हमारे देश का निर्माण करने वाले हैं, उन सभी शहीदों को नमन करता हूं। मैं अपने ओर से और अपने जो गांव सली गांव के वासी हैं, उन सभी की ओर से, उन सभी शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, देश के लिए शहीद होना ये सबको, मैं तो कहूंगा कि सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन देश की सेवा करना ये सौभाग्य जो है सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो सैनिक के रूप में हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल में काम करते हुए प्राप्त करें, या सरकारी नौकरी में रहते हुए करें। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, अगर हम देश के प्रति समर्पित हैं, तो हम सभी देशभक्त हैं। शहीद जो देश के लिए, देश की सेवा करते हुए, उन सिद्धांतों के लिए, उन बातों के लिए जो देश के विरुद्ध जाती है, उनसे लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान करते हैं, तो शहीद का दर्जा जो है, मैं समझता हूं कि हमारे मानवता के अंदर सबसे ऊंचा है। आज इस शहीदी दिवस के ऊपर हम सब उन शहीदों को याद करते हैं जो देश के लिए समर्पित रहे हैं, देश की सेवा करते हुए जिन्होंने अपनी जान दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, खास करके ये जो मेरे हमारे सामने बैठे हुए विद्यार्थी हैं, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि हमारे देश में। सुजानपुर से एसटूडी के लिए राजन मेहता की रिपोर्ट।